गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। इंडिया में अक्सर ट्रक के ड्राइवर ट्रक के आगे नींबू मिर्ची लगाते हैं। उस नींबू मिर्ची का काम ट्रक को नज़र से बचाना, वही नींबू मिर्ची का काम इंडिया टीम में करते थे केएल राहुल। आज केएल राहुल नहीं थे, इंडिया टीम 163 पे ऑल आउट ही नहीं हुई, इंडिया टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़वाए। सबसे पहले 2019 के बाद जडेजा पहली बार सिंगल डिजिट में आउट हुए। दूसरा, इंडिया के अगेंस्ट विकेट लेने वाले नेथन लायल्स दूसरे सबसे बड़े विकेट टेकर बन गए आफ्टर मुथैया मुरलीधरन। तीसरा, 13 बार नेथन लायन ने पुजारा को डिसमिस किया। चौथा, 1978 के बाद इंडिया टीम पहली बार दोनों इनिंग में 200 से नीचे आउट हुई। इतने सारे रिकॉर्ड तो टूट गए सिर्फ केएल राहुल के ना रहने पे। केएल राहुल जो थे इंडियन टीम में एक नज़र सुरक्षा यंत्र की तरह काम करते थे। केएल राहुल आज अगर रहते तो ये पूरा 163 रन की जो जिम्मेदारी थी ये पूरी टीम केएल राहुल के सर पे बांध देती, पूरी मीडिया बांध देती और सबकी लोगों की खामियां छुप जाती। आज मैं वही सारी खामियां की बात करने आया हूँ। ऐसा नहीं था कि ये जो रैंक टर्नर पिचेस है ना, वो रैंक टर्नर पिचेस में ना वो उस रैंक टर्नर पिचेस में नर्व्स का गेम होता है रादर देन क्रिकेटिंग स्किल्स। नर्व्स जो बंदा बांध के रख दिया वो हीरो हो गया। सबसे पहले लौंडे लपारे केएल राहुल का रिप्लेसमेंट शुभमन गिल, बहुत सारे लोगों ने बोला शुभमन गिल ये है, तोड़ है, फोड़ है। बहुत ही निहायत ही घटिया शॉट का प्रदर्शन किया था उस टाइम शुभमन गिल। आप वाइट बॉल खेलते हो, रेड बॉल में ऐसे शॉट्स नहीं खेले जाते। इन सारे में दूसरा जो प्लेयर जो सबसे कमियाँ छुपी हुई है वो है केएस भरत। आप 3 टेस्ट मैच खेल चुके हो केएस भरत नाउ, और उसमें आप कुछ प्रूव नहीं किए। बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी है, आप किसको रिप्लेस कर रहे हो मालूम है ना, टेस्ट में आप रिप्लेस कर रहे हो पंत को। पंत इतना इससे अच्छा तो आपको नहीं खिलाते, 2, 4, 5 रन, 10 रन बना रहे हो, इससे अच्छा तो केएल राहुल ही विकेट कीपिंग कर लेते। तो केएस भरत शुड स्टेप डाउन इमिडिएटली एज अ विकेट कीपर, और जो बच्चे पीछे बेंच में उनको चांस दिया जाए ताकि विकेट कीपिंग। और 2022 से अभी तक 2020 से अभी तक जो क्रिकेटिंग में जो औसत रहा है 22 रन का वो है विराट कोहली। विराट कोहली की नाकामी नहीं छुप सकती। 2020 से अभी तक 22 रन का एवरेज 3 साल में विराट कोहली का है टेस्ट में। तो ही हैज़ टू प्रूव इन टेस्ट क्रिकेट दैट व्हाट हाउ बैटिंग शुड बी डन। बहुत टाइम हो गया, माना विराट कोहली ने पहले बहुत प्रूव किया है, लेकिन अब समय आ गया विराट कोहली को भी प्रूव करने का एज अ बैट्समैन। इसमें बोला ना ये सब रैंक टर्नर पिचेस में नब्स का गेम होता है, तो इस नब्स का गेम्स में अच्छे से किए थे छतरश्वर पुजारा, और हमारे श्रेयस अय्यर की जोरी बन रही थी। एक टाइम लगा कि हरा देंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया टीम को, लेकिन बस एक चीज़ कैप्टनशिप एसपीडी स्मिथ की मिशेल स्टार्क को लेके आया उस टाइम पेस बॉलर को। 8 विकेट लिए नेथन लायन, 8 विकेट। उस 8 विकेट में कोई भी रहता कैप्टन तो उसको नहीं हटाता। हटा के मिचेल स्टार्क को ला के पेस बॉलर को वो पारी को तोड़ा उन्होंने। अच्छा 76 रन अब जीत के लिए बनाना ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया के लिए जीत का मार्ग बहुत ही नामुमकिन जैसा, 80-20 का गेम है। कुछ मिरेकल ही हो जाए लास्ट टेस्ट जैसा, पहले इनिंग में लोग ढा दे विकेट और ढा दे। और दूसरा, एसपीडी स्मिथ ने जो कैप्टनशिप की खतरनाक, जब उमेश यादव आए थे 6 फीट 5 इंच के लौंडे को लगाया गया कैच लेने के लिए उमेश यादव का, तो एसपीडी स्मिथ की तारीफ करनी पड़ गया। कैप्टनशिप की इंडियन टीम को बैम्बूजल कर दिया इंडिया के पिच में इंदौर में, वेरी गुड। कल देखते हैं होलकर, अहिल्या बाई होलकर स्टेडियम जो है वहाँ पे होलकर की नगरी में अंग्रेजों की जीत होती है या फिर हमारे देशियों, उसकी कल बात करेंगे। तो जब तब के लिए होलकर साम्राज्य की तरफ से मेरा सब सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।